मिनिस्ट्री फॉरेन मिनिस्ट्री का काम भी हम लोग देख लेते हैं कि डिप्लोमेसी करके बहुत सारे ममालिक को मना नहीं पाए कि यहाँ एशियन एंड पैसिफिक सेंटर फॉर ट्रांसफर एंड टेक्नोलॉजी की ये कॉन्फ्रेंस है, उधर तीन ममालिक नहीं आ रहे, भारत, बांग्लादेश और ईरान, ये तीनों ममालिक ने मना कर दिया आने से। बहुत सारे और ममालिक आ रहे हैं, फीजी आ रहे हैं, समोआ आ रहे हैं, बहुत सारे, लेकिन गजनफर साहब इंडिया की समझ आती है, उसको तो हमारी हर चीज से मसला है। बांग्लादेश बिल्कुल इंडिया की लाइन पर चलता है, ईरान को क्या हुआ? बात है बांग्लादेश नहीं आ रहा, मुझे तो बड़ी खुशी है कि बांग्लादेश नहीं आ रहा, कि वो नापाक औरत जो वहाँ पे बैठी हुई है गद्दार, तो वो हसीना वाजिद जो जिसका पूरा ख़ानदान बंगाली अफसरों ने खुद उड़ा दिया था, यानी आप इस पॉइंट पे गौर कीजिए कि एक शख्स जिसने उनको आज़ादी दिलाई, मुझे वो चूँकि वो इंडिया की गोद में उस वक्त खेल रहा था, वहाँ पर करप्शन थी, औरतें स्मगल हो रही थी, जो वो मेज साहब जिन्होंने जिन लोग जो ऑफिसर जिन्होंने एक्शन किया वो मुजीबुर्रहमान के बड़ा नज़दीक रहे थे, वो कहता है मैं एक दिन शाम को गया ये शिकायत करने के बाद कि बांग्लादेश में ज्यादती हो रही है, तो मैंने देखा मुजीब के नज़दीक वो सारे स्मगलर चोर डाकू बैठे हुए थे जो बांग्लादेश की दौलत और औरतें उठा के बांग्लादेश की जो है वो इंडिया ले जाते, तो मैंने फैसला कर लिया कि ये शख्स जिंदा नहीं रहेगा। ये बच गई थी इसलिए कि ये वहाँ पर मौजूद नहीं थी, बाहर गई थी, ये भी वहाँ पर होती तो फिर इसका भी काम उन्होंने कर देना था, उन्होंने छोड़ना नहीं था। अब वो तो है, वो नहीं आ रहे तो मैं कहता हूँ अच्छा है नहीं आ रहे, इंडिया ने आना ही नहीं था, कोई उम्मीद नहीं, दुख है तो वो है इस्लामी ब्रदर मुल्क, फिर रिपीट करूंगा, इस्लामी ब्रदर मुल्क ईरान के एटीट्यूड से कि जी एक कॉन्फ्रेंस है जिसने प्रायोरिटी गोल्स अपने सेट किए हुए हैं, इसमें कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, इट रिलेट्स टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, और एक उसके ऊपर आपने पहले से चार प्रायोरिटीज जो दिए, इंडिया ने अपना दिया हुआ था, इंडिया ने दिया हुआ उनको, इंडिया का जो इस्तेमाल था वो था फीड द फ्यूचर इंडिया, अब इसके ऊपर डिस्कशन होनी थी। फीड द फ्यूचर इंडिया का मतलब है कि ये आम आदमी से ताल्लुक रखता था कि आप उसकी खुराक और इको सिस्टम का किस तरह इंतजाम, ये चीजें, लेकिन दुख है हमें ईरान से, अफसोस है ईरान के एटीट्यूड से भी और ईरान की लीडरशिप के भी एटीट्यूड से कि आप ये प्रेजम्पशन होगी, लेकिन यह है कि पता जरूर करना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत जानने की कोशिश की कि जी वो ईरान कोई नहीं आ रहा, लेकिन कोई इस पर सॉलिड कमिटमेंट देने के लिए तैयार नहीं है, तो हम जो कुछ कहेंगे वो प्रेजम्पशन में कहेंगे, लेकिन उनका ना आना एक अफसोसनाक बात है। अनिका, इशू यह है कि देखें, मैं अपने इससे पहले भी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में एक चीज़ मैं बता चुका हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर जो इंटरनेशनल लेवल पे जो ममालिक आपस में इंटरेक्ट करते हैं वो है उनके नेशनल इंटरेस्ट। अब ईरान का नेशनल, ईरान मुझे नहीं समझ आती कि हमेशा से वो, हम ये कहते तो हमारा नेबरिंग कंट्री है, लेकिन जितना ईरान हमारे साथ उनके साथ ट्रस्ट डेफिसिट है उसके वजूहत बहुत ज़्यादा भी है, बहुत ज़्यादा है, उनको हम किसी और मामले में डिस्कस करेंगे किसी और प्रोग्राम में। इशू ये है कि उनका ट्रस्ट डेफिसिट है, वो यहाँ पर नहीं आना चाहते। अब ईरान के साथ हमारे जो मामलात सऊदीज़ के साथ हैं उनके, आपको पता है कि ये भी काफ़ी ज़्यादा हमेशा चपकलश रहती है कि पाकिस्तान सऊदीज़ के ज़्यादा क्यों करीब है, इसकी वजह से ईरानियंस हमारे साथ, हमारे पे ट्रस्ट नहीं करते। मिडल ईस्ट के अंदर ईरानियंस और सऊदीज़ आपस में प्रॉक्सी वार लड़ रहे हैं और बारहा कोशिश की है पाकिस्तान ने, तो जहाँ जिस लेवल पर भी कर सकते हैं उनको बताने की यही कोशिश की है कि जब तक आप लोग साथ नहीं बैठेंगे तो मामला इस मुल्क के मुस्लिम उम्मा के मामला हल नहीं होंगे। और दूसरी बात, ये इंडियन और बांग्लादेशी नेक्सस तो इस सबसे पहले, इसे हमें और आपको सबको पता है कि वो है। ईरानियंस भी एक चीज़ ध्यान में रखेगा, ईरानियंस हमेशा से, एटलीस्ट जो मैंने आप जब से होश संभाली है, उनका एक काइंड ऑफ एंटी पाकिस्तान स्टैंड रहा है, उसकी उसको देखने की जरूरत है वो क्यों रहा है, उसके हल करने की जरूरत है, चूंकि हमारा नेबरिंग कंट्री है, इतना लंबा हम उसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, हम ट्रेड कर सकते हैं वहाँ से, आप हमारे जो एनर्जी के मसाइल हैं वो पूरे कर सकते हैं, लेकिन इसको बड़ी डिटेल के साथ देखने की ज़रूरत है, उसको इस पर कुछ थिंक टैंक बैठना चाहिए, उस पर कोई रिकमेंडेशन आनी चाहिए, लेकिन ये बात ज़रूर है कि ईरानियंस एंटी पाकिस्तान स्टैंड काफ़ी ज़्यादा रहा है। जी ठीक है, देखिए खबर एक चीज़ मैं आप क्लैरिफाई लोगों के लिए कर दूँ, जहाँ इंडस्ट्रियल इंटरेस्ट वो एक बुनियादी तौर पर फॉरन पॉलिसी के अंदर इनग्राइंड कर लिए जाते हैं कि किस तरह आपने फॉरेन पॉलिसी को लेकर चले, लेकिन आप एक चीज़ याद रखिए कि कल सीरिया अपना तुर्की में रशियन एम्बेसडर का कत्ल हुआ, लेकिन हुआ क्या कि फौरन उन्होंने एक दूसरे से बातचीत कर ली और बायलैटरली वो दूसरे के पास जाके खड़े हो गए, उन्होंने अमेरिकन से बात की। ये जो चीज़ें होती है ना, ये कॉन्फ्रेंसेज, इसमें कोई नेशनल इंटरेस्ट डैमेज नहीं होता, इसमें होती है रॉन्ग परसेप्शन, ये आपकी, आप लॉ रखे
अफगानिस्तान के अंदर सपोर्ट कर रहा है तो वो आपके पास नहीं आएंगे। अच्छे लोग नहीं है ये चीजें जो है ना, ये फॉरेन पॉलिसी के अंदर इस किस्म की चीज होते हैं ना, ये इरेटिक पॉलिसी से रिलेट करती है। इसमें अंदर आपकी थिंकिंग का गलत, और डेफिसिट जो है वो बुनियादी तौर पर याद रखिए एक चीज है, वो है पाकिस्तान अमेरिकन रिलेशनशिप। मैं अगले टॉपिक की तरफ जाऊंगी। पाकिस्तान अमेरिकन रिलेशनशिप अपनी जगह पर मौजूद, पाकिस्तान को ईरान और सऊदी अरब दोनों से अच्छे ताल्लुकात रखने हैं, और डेफिनेटली हमें अपने ईरान से भी अच्छे रखने हैं। जो चीज नहीं समझी जा रही वो ये नहीं समझी जा रही कि ईरान और पाकिस्तान बॉर्डर शेयर करते हैं, हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, लेकिन जरूरत